अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारे पास जो आ गया क्लीन्स थ्योरम, क्लीन्स थ्योरम क्या कहता है? क्लीन थ्योरम ये कहता है कि इफ ए लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस बाई एफ ए, अगर किसी लैंग्वेज को एफ ए से एक्सप्रेस किया जाए या टी जी से एक्सप्रेस किया जा सके या आर ई से एक्सप्रेस किया जा सके, देन इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस बाई अदर टू एज वेल। वो कह रहा है कि अगर एफ ए से एक्सप्रेस किया जा सके तो टी जी और आर ई से भी एक्सप्रेस हो जाएगी, अगर आर ई से हो जाए तो टी जी और एफ ए से भी, यानी अगर एक से हो तो जो रिमेनिंग दो हैं वो उनसे लाजमी एक्सप्रेस हो जाए। अब इसका मतलब ये है कि इस थ्योरम को हम तीन पार्ट्स के अंदर प्रूव कर सकते हैं। पहले ये है कि अगर हम ये कहेंगे किसी लैंग्वेज की एफ ए बनाएँ और फिर हम कहेंगे उसकी टी जी और आर ई बना के दिखाएं, इसी तरीके से टी जी बनी हुई उसकी एफ ए, और ये तीनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलें। पहला पार्ट क्या है, इफ ए लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई एफ ए, अगर एफ ए एक्सेप्ट से एफ ए से वो कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाई टी जी, अगर एफ ए से एक्सेप्ट होगी तो टी जी से, अगर टी जी से एक्सेप्ट हो रही है तो वो किससे होगा, आर ई से भी एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर आर ई से एक्सप्रेस की जा सकती है तो एफ ए से भी एक्सप्रेस की जा सकती है। यानी लैंग्वेज एफ ए में एक्सप्रेस हो जाए या एफ ए से एक्सेप्ट हो जाए तो टी जी में भी एक्सेप्ट होगी। दूसरा पार्ट ये है कि टी जी से एक्सेप्ट होती है तो आर ई में भी एक्सप्रेस की जा सकती है, अगर आर ई से एक्सप्रेस की जा सकती है तो एफ ए में भी एक्सेप्ट होगी। समझ आ गई, ये तीन पार्ट्स हो गए इसके क्लीन थ्योरम के। बात समझ में आ गई, सादी बात, यानी इनमें से किसी एक में एक्सप्रेस हो जाए तो बाकी दो में भी एक्सप्रेस हो सकती है। इसी को इसने अलग अलग पार्ट में कर दिया कि अगर एफ ए में एक्सेप्ट होती है तो टी जी में भी एक्सेप्ट होगी, अगर टी जी में है तो आर ई से भी एक्सप्रेस होगी, अगर आर ई में है तो एफ ए से भी। तो ये इसके तीन पार्ट्स हो। अब आगे प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का प्रूफ। सिंस एवरी एफ ए कैन बी कंसिडर्ड टू बी टी जी एज वेल, देयर फॉर नथिंग टू प्रूव। हमने ये बात पहले ही प्रूव की हुई है कि एवरी एफ ए, यहाँ से पिछली एक स्लाइड के अंदर हमने कहा था एवरी एफ ए इज टी जी आल्सो, एवरी एफ ए इज टी जी आल्सो, लेकिन एवरी टी जी इज एफ ए तो नहीं कही थी हमने, हमने ये तो कहा था कि एवरी एफ ए इज टी जी आल्सो, तो इसलिए इसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वहाँ पे हमने एक स्लाइड के अंदर बात देखी थी कि हर एफ ए टी जी भी होती है। तो डेफिनेशन ऑफ जी टी जी एग्जाम्पल, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी कि जी टी जी क्या है और डबल ए और ये सारी चीज़ें, पार्ट्स ऑफ क्लीन थ्योरम, नॉन डिटर्मिनिज्म क्या है, ये चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी। चलें अभी से आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ये था लेक्चर 10, लेक्चर 11 हम देखते हैं। पहले पार्ट के अंदर ये था कि अगर एफ ए से में एक्सेप्ट होती है तो जी टी जी में भी एक्सेप्ट होगी, तो हमने जब जी टी जी पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि एवरी एफ ए इज़ जी टी जी, तो उसकी वजह से हमें इसको प्रूव करने की, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। अब सेकंड पार्ट आ गया,
टू प्रूव सेकेंड पार्ट ऑफ द थ्योरम एन एल्गोरिथम कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्टेप इन एक्सप्लेन शोइंग हाउ आर ई कैन बी ऑब्टेंड कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन टी टी फॉर दिस पर्पज। यानी दूसरा पार्ट क्या था कि अगर अगर किसी लैंग्वेज को, अगर कोई लैंग्वेज जी टी जी में एक्सेप्ट होती है तो उसको आर ई में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। शोइंग हाउ आर ई कैन बी ऑब्टेंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन टी जी फॉर दिस पर्पज नोटेशन ऑफ टी जी इज चेंज टू दैट ऑफ जी टी जी द टेबल ऑफ ट्रांजिशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आर ई। अब जैसे इसका क्या मतलब हो गया, अब यहाँ पे ज़रा इसको, यहाँ पे जो है ना इस स्लाइड के अंदर ना आपका जी टी जी और टी जी के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। बेसिकली दिस एल्गोरिदम कन्वर्ट गिवन टी जी टू जी टी जी। यहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि हम एक टी जी को जी टी जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टी जी को जी टी जी में, ये यहाँ पे ये टास्क प्रभाव होगा टी जी टू जी टी जी कन्वर्जन, कन्वर्ट द गिवन टी जी इन टू टी जी जी टी जी विद वन इनिशियल एंड सिंगल लूप और वन इनिशियल स्टेट कनेक्टेड विद वन फाइनल स्टेट बाय सिंगल ट्रांजिशन एज। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, सिंगल ट्रांजिशन एज के साथ, सिंगल द लेवल ऑफ द लूप विल बी द रिक्वायर्ड आर ई। इस बात को ज़रा समझिएगा, यानी हम इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टेट है ये इनिशियल, ये फाइनल स्टेट है और दरमियान में एक ही लेबल हो और उस लेबल के ऊपर जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो हमने अचीव कर दिया। समझ आ गई किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे कि हमने क्या करना है कि देखो ज़रा इसको दोबारा उसको आपको पुराने उसको ये था ना ये वाला दूसरा पार्ट ये था, सॉरी ये था ना कि अगर टी जी बन जाए तो उसकी आर ई बनानी है। हमने क्या करना है कि पहले टी जी को कन्वर्ट करना है जी टी जी के अंदर, टी जी को किस में कन्वर्ट करना है जी टी जी के अंदर। थोड़ा सा और जो है वो आपको डिफरेंशिएट करवाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसको प्रूव करना आसान हो, क्योंकि चीज़ें आप पहले की पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे मैं ज़रा इसको बताता हूँ, जहाँ ये आपकी वर्ड शुरू हुई थी ये देखिए, ये आपकी थी डेफिनेशन ट्रांजिशन ग्राफ की। ट्रांजिशन ग्राफ की डेफिनेशन में क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट आ गई, इनपुट आ गई और डिफरेंस क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन दैट शो हाउ टू गो, फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन दैट शो हाउ टू गो फ्राम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बेस्ड ऑन रीडिंग स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग ऑफ इनपुट लेटर पॉसिबल इवन द नल स्ट्रिंग। इसके अंदर क्या है, इवन द नल स्ट्रिंग से भी जो है हम क्या कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते थे। ये क्या था, टी जी के मतलब थी ये बात, किसके मतलब थी, टी जी के मतलब। और फिर जब आपने ये पढ़ा लेक्चर ये 10 पढ़ा, उसकी जब जी टी जी की डेफिनेशन देखी तो उसके अंदर क्या चीज़ थी, ये 9th के अंदर ये चीज़, ये तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टेड एज कनेक्टिंग सम पेयर ऑफ स्ट्रेट लेबल विद रेगुलर एक्सप्रेशन। वहाँ पे क्या था, सब स्ट्रिंग था, जी टी जी में क्या था, सब स्ट्रिंग था और यहाँ पे क्या हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, रेगुलर। ये डिफरेंस है, टी जी में वहाँ पे सब स्ट्रिंग के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे और यहाँ पे क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। अच्छा अब इस चीज़ को हम वहाँ पे ले गए तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया कि हमारे पास जो
इसको प्रूफ करने के लिए हम हमारे पास क्या, हमने कहा कि हम क्या करेंगे, इस पार्ट को प्रूफ करेंगे कैसे, बाय कन्वर्टिंग, बाय कन्वर्टिंग क्या, टीजी को कन्वर्ट करके, टीजी को कन्वर्ट करेंगे जीटीजी में, टीजी इज चेंज इनटू जीटीजी। और उसका क्या फ़ायदा होगा कि हम वो सिंगल स्टेट बना लेंगे। जब हम जीटीजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा, असल असल टास्क, मेन टास्क हमारा ये है कि अगर किसी लैंग्वेज की टीजी में एक्सप्रेस किया जा सके तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता हो। टीजी से हमने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, टीजी से जीटीजी बनाएंगे, और जीटीजी बनेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, ये वाली फॉर्म। ये वाली फॉर्म क्या है, ये आपके पास इनिशियल स्टेट है और ये आपके पास फाइनल स्टेट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों भाई बच्चों, मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा, आर ही बनेगी, वो हमारी रिक्वायर्ड आ रही होगी। क्यों भाई? अच्छा, तो हमारे पास पार्ट टू में क्या है, फर्स्ट टू प्रूव द सेकंड पार्ट एन एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप एक्सप्लेन शोइंग हाउ आर ई कैन बी अपडेट। हमें मकसद क्या है, आर ई गेट करना, किससे गेट करना, टी जी से। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, टी जी को कन्वर्ट करेंगे जी टी जी में, टी जी को कन्वर्ट करेंगे जी टी जी में। और ये अब हमारे पास वो प्रोसेस आता है कि हम टी जी को जी टी जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो देखते हैं। तो हम इस एल्गोरिथम में पहले स्टेप में क्या है, इफ़ टी जी हैज़ मोर देन वन स्टार्ट स्टेट, अगर एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स हैं, देन इंट्रोड्यूस न्यू स्टार्ट स्टेट कनेक्टिंग द न्यू स्टेट। हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में मोर देन वन स्टार्ट स्टेट को कन्वर्ट करेंगे सिंगल स्टार्ट स्टेट, और करेंगे कैसे, एक नई स्टेट बना के उसको स्टार्ट स्टेट कहेंगे, और ओल्ड वन को, जैसे ये, जैसे फर्ज किया, ये ऐसे कर सकते थे ना जीटीजी में, हम लेबल दे के कि ये भी स्टार्ट स्टेट है, ये भी स्टार्ट स्टेट है, दोनों स्टार्ट, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से कि आप नल ट्रांजिशन के जरिए, नल ट्रांजिशन के लिए एक नई स्टेट बनाएंगे तो उनकी पुरानी स्टेट्स को, इनिशियल स्टेट को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेप यही है कि वी कन्वर्ट मोर देन वन स्टार्ट स्टेट्स इनटू सिंगल स्टार्ट स्टेट बाय इंट्रोड्यूसिंग नल ट्रांजिशन एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्टेट। ये आप लोगों ने देख लिया, अगर जैसे ये थी, दो इनिशियल स्टेट थे उसको कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट को कन्वर्ट कर दिया सिंगल इनिशियल स्टेट। अगला स्टेप क्या है, इफ टी जी है मोर देन वन फाइनल स्टेट, अगर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हैं तो उसको भी कन्वर्ट कर दें एक फाइनल स्टेट में बाय इंट्रोड्यूसिंग नल ट्रांजिशन एंड ए न्यू फाइनल स्टेट। दिस स्टेप कैन बी, इसके अंदर हमने जैसे यहाँ पे दो फाइनल स्टेट थी ना, एक ये और एक ये, तो इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल में कैसे, ये नल ट्रांजिशन के लिए, और यहाँ पे इसको ख़त्म कर दें। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, इफ ए स्टेट हैज़ टू आर मोर देन वन इनकमिंग ट्रांजिशन एज लेबल बाई कॉरस्पॉन्डिंग आर ई ट्रांजिशेंट स्टेट, तो देन इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ लूप एट ए स्टेट देन रिप्लेस ऑल द ट्रांजिशन एज विद सिंगल ट्रांजिशन। ये कह रहा है कि एक जैसे यहाँ था, यहाँ से एक ये भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है, दो आ रहे हैं ना, बी भी आ रहा है, ए से बी आ जाए तो यहाँ आ जाए, ए से डबल ए जाए, तो इन दोनों को क्या कर दे, इन दोनों को कंबाइन कर दे, इन दोनों को, अब जैसे यहाँ पे भी ये हैं, इन दोनों को क्या कर दे, कंबाइन कर दे, जैसे अब ये देखें, तो ये इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर दो यहाँ पे भी इसको पढ़े, इफ ए स्टेट हैज़ टू आर मोर वन मोर देन वन इनकमिंग ट्रांजिशन एज लेबल बाई कॉरस्पॉन्डिंग, तो देन रिप्लेस ऑल दीज ट्रांजिशन एजिज विद सिंगल ट्रांजिशन, इनको क्या कर दें, सिंगल कर दें, लेबल बाय सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, बाय सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, इनके दोनों आर ईज को सम करके, जैसे ये है, जैसे ये फोर से फाइव के पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहे हैं, दो आर ईज आ रहे हैं, तो उन दोनों को क्या कर दें, ऐसे कंबाइन कर दें।
यहाँ पे जैसे अब ये हैं R1 से लेके RN तक, तो इनको क्या कर दे, एक ही लूप के अंदर ले आए, एक ही लूप के अंदर, ठीक है। तो जैसे ये प्रीवियस ये थी, ये B और A डबल A था, इन दोनों को क्या कर दें, कंबाइन कर दें। तो यहाँ पे तो स्टेप 3 के अंदर क्या है, नंबर ऑफ आर इज को कंबाइन कर। स्टेप 4 में क्या है, इफ 3 स्टेट्स इन TG आर कनेक्टेड इन सीक्वेंस देन एलिमिनेट द मिडिल स्टेट एंड कनेक्ट दिस फर्स्ट स्टेट विद द थर्ड बाय सिंगल ट्रांजिशन लेबल्ड बाय RE व्हिच इज कंकेटिनेशन। वहां पे क्या था ना, वहां पे था प्लस कर दे, अब क्या कर दे, कंकेटिनेट कर दे। मतलब 3 स्टेट है, इसको जरा समझिए। जैसे ये है कि एक है यहाँ से, ये 3 स्टेट हैं, 4 स्टेट 5 स्टेट और 6 स्टेट, तो इनको क्या कर दे, कंबाइन कर दे। कैसे कंबाइन किया, कि मसलन ये R2 था, R2 उसको कंकेटिनेट कर दिया R3 के लूप के साथ। अब ये जैसे ना, ये पाथ तो यही बनता है ना, ये पाथ फिर ये पाथ फिर ये पाथ, तो इन तीनों को क्या कर दिया, कंकेटिनेट कर दिया, और दरमियान वाले स्टेट को एलिमिनेट कर दिया, इस स्टेट को क्या कर दिया, एलिमिनेट। यहाँ पर अब इसको पढ़े, अगर 3 स्टेट है, 3 स्टेट्स इन TG आर कनेक्टेड इन सीक्वेंस देन एलिमिनेट द मिडिल स्टेट एंड कनेक्ट द फर्स्ट स्टेट विद द थर्ड स्टेट, पहली को तीसरी के साथ मिला दें बाई कंकेटिनेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग RE टू RE इन द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। दिस स्टेप कैन बी शोन बाई पार्ट ऑफ TG विद फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे ये बता, समझ आ गए भाई। तो अब कंसीडर, अब जैसे यहाँ पे है R1 है, R2 है, R3 है, तो इसको कैसे करेंगे, अब इसके दो पाथ बनते हैं, एक पाथ ये है यहाँ से इधर और फिर ये, एक तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये तो हमने यहाँ से दिखा दिया R1 R2 का स्टार और R3, फिर अगली पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से अगर वो लूप लगाना चाहे R3, तो वो कैसे बनेगा कि 4 के ऊपर, 4 के ऊपर ये लूप भी तो है ना, 4 के ऊपर ये लूप है कि R4 फिर ये R* और R3, इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया कि 4 के ऊपर जो लूप है वो R4 R2 का ये वाला स्टार और R3, ये इसको यहाँ, तो इन दोनों को जब ये जब इस स्टेट को एलिमिनेट किया, तो इसकी मदद से अब वो जो चीज़ें यहाँ पे हो रही थी 3 में, वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई, तो सर्किट बना दिया। कंसीडर द पार्ट TG कंटेनिंग ए सर्किट एट स्टेट शोन बिलो। इसकी समझ आ गई भाई, अगर नहीं समझ आई तो पूछ लें, यहाँ तक अभी तो जो बातें आपको बताई हैं, जिसकी नहीं समझ आई पूछ लें। इसका मतलब बहुत समझ आ गई। अब जैसे यहाँ पे इस 3 स्टेट को, अब ये जरा और जो है कॉम्प्लेक्स आ गई कि इस 3 स्टेट को हमने क्या करना है, एलिमिनेट, इसको रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे, अब जैसे R2 के ऊपर ये लूप भी है, ये अभी वन बाय बाय वन वन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले नंबर पे एक 2 से 4 के ऊपर एक लूप इसके जरिए जा रहा है, R2 के जरिए, ठीक हो गया। दूसरा लूप कहाँ से जा रहा है, R3 R5 का लूप, R3 R5 का लूप और R7, दूसरा ये हो गया जी, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये लूप और ये चीज, ठीक है। अब ये दो चीजें थी यहाँ, और इससे पहले ये भी है कि R2 से ये एक R1 का लूप भी है, और यहाँ पे R1 का लूप, R2 और फिर R9 का लूप। अब यहाँ पे देखिए, 2 से 3 के लिए एक आपको ये बताया था R2, R2, अब यहाँ पे देखिए जी, सॉरी, ये देखिए R2, R2 आ गया, अच्छा, और फिर R3 और R5 प्लस लगा के, एक रास्ता ये था, एक रास्ता ये था R2 का प्लस लगा के R3 और R7 वाला, और इसके दरमियान में ये वाला, ये या ये रास्ता इस्तेमाल कर ले या ये वाला रास्ता इस्तेमाल कर ले, यहाँ पे वो यही बताया कि
चाहे ये रास्ता इस्तेमाल कर ले या ये वाला रास्ता इस्तेमाल कर ले, दरमियान में प्लस है, दरमियान में प्लस है इधर से जाने का। अच्छा अब यहाँ पे ये जो लूप बन रहा था कि ये और इन इनको भी तो लूप है ना, यहाँ से जाके फिर ये इस तरह लूप भी तो बन सकता था ना, ये यहाँ से कि आर वन का लूप है फिर आर थ्री आर फोर का लूप है, इस लूप को यहाँ पे शो कर दिया कि ये आर वन से लूप बना ले या आर थ्री आर फाइव फोर से लूप बना ले। ये देखे ना, ये आर थ्री फिर आर फाइव और आर फोर का लूप, ये भी लूप है ना, देखे यहाँ से स्टार्ट किया ये और फिर ये वापस यहाँ पे आ, ये लूप, तो वो यही चीज़ शो की आर थ्री आर फाइव और आर फोर का लूप। फिर इसी तरीके से ये रास्ते के दो रास्ते हैं, आर सिक्स यूज़ कर ले या आर एट आर फाइव यूज़ कर ले। और फिर आखिरी बात इसके ऊपर जो लूप बन सकता है कि वो लूप ये आर नाइन का और ये आर एट आर सेवन का, तो ये आर एट आर सेवन का लूप ही है, आर नाइन का लूप या आर एट आर फाइव आर सेवन का लूप, तो वो दरमियान वाली स्टेट खत्म हो। टू एलिमिनेट स्टेट फॉर द अबव्ड टिक। अच्छा अब अगर फोर स्टेट को भी ख़त्म करना हो, इस फोर को भी ख़त्म करना हो और टू को ही रखना हो, तो फिर यहाँ पे एक लूप बन रहा है, एक लूप या ये है और दूसरा लूप क्या हो, यहाँ से स्टार्ट हो फिर ये लूप और फिर ये, तो ये देखें एक लूप ये आ गया, एक ये इतना आ गया, दरमियान में प्लस आ गया दरमियान में, और बाकी ये सारा आ गया, ठीक है, तो ये वाली स्टेट भी ख़त्म हो गई। तो ये क्या है वे कि किस तरीके से आप स्टेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट डिटरमिन द आर ई कॉरेस्पॉन्डिंग टू सर्टेन टी जी फोर स्टेप्स हैव बीन डिस्कस। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ टी जी। इसको वो जो सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं स्टेप वन से लेके स्टेप फोर तक, इन सारे स्टेप्स को हम एक टी जी के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसको क्या बनाते हैं, जी टी जी बनाते हैं। तो फिर आपको क्या होगा, आपको समझ आ जाएगी कि जनाब कैसे एक टी जी को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक जो चार स्टेप्स हैं, अब इसको एक ही, वहाँ पे तो हमने बोलते हैं ना पार्ट्स के अंदर देखे कि अगर एक स्टेट को एलिमिनेट करना हो, ट्रांजिशंस को कंबाइन करना हो, वो सारे वन बाय वन स्टेप देखे, अब उनको जो है हम कंबाइन करके देखते हैं एक एग्जांपल के अंदर। मसलन ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एक टी जी है, इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इस टी जी को कन्वर्ट करना है जी टी जी के अंदर। अब ये टी जी है, इसके अंदर ये देखिए हमारे पास वो लेबल्स हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। टी जी में हमने देखा था ना कि सब स्ट्रिंग्स तो होंगी, आर ही नहीं होगी, और जी टी जी के अंदर क्या होगी, आर ही होगी। टू हैव ए सिंगल फाइनल स्टेट ऑफ द अबव टी जी कैन बी रिड्यूस टू द फॉलोइंग। कैसे, सबसे पहले जो है टू एलिमिनेट स्टेट टू, इस स्टेट को हमने रिमूव करना है, इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है, तो वो वाले काम तो हो गए ना, वो जैसे सिंगल इनिशियल, उसके लिए एक ही सिंगल स्टेट थी, फाइनल दो थी, तो उसको हमने कंबाइन कर लिया, जैसे यहाँ पे कंबाइन कर लिया अल्फा के साथ, ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया कि इस स्टेट को एलिमिनेट करना है, तो इसके अंदर एक ही ऑप्शन थी ना डबल ए, तो वो सिंगल एक ऑप्शन। अब यहाँ से वन से लेके फोर तक दोनों को इसने एलिमिनेट कर दिया, टू को भी और थ्री को भी, दोनों को क्या किया, दोनों स्टेट्स को एलिमिनेट किया, क्या या एक डबल ए की ऑप्शन है या डबल बी ए की, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ए से लेके फोर, ए से फोर पे जाने के, वन से फोर पे जाने के लिए, वन से फोर के जाने के लिए या तो आप डबल ए यूज़ करेंगे, ट्रिपल ए यूज़ करेंगे या डबल बी ए यूज़ करेंगे, दरम्यान में प्लस लगा दिया और साथ में वो भी लगाया, ठीक है। और इधर से ये लूप ऐसे लगा दिए, तो समझ आ गई, ये दोनों स्टेट्स जब रिमूव की, या तो ये ऑप्शन थी और या ये ऑप्शन थी, उन दोनों को कंबाइन कर। अच्छा आगे क्या, स्टेट वन को एलिमिनेट, अब इस वन वाली स्टेट को एलिमिनेट करना, तो भैया सिंपल ये है कि इनको क्या करना है, कंकैटिनेट कर लेना, ये पाथ बनेगा ना, यहाँ से ये और फिर ये, तो इस स्टेट को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये देखिए ये सारों को इकट्ठा कर दिया, ये पहले एक चीज़ ये आ गई, दूसरी चीज़ ये आ गई,
और तीसरी चीज, तीनों को कंकैटिनेट कर। तो अब देखो वही चीज़ चाहिए थी हमें, इनिशियल और फाइनल स्टेट चाहिए थी, तो हमें ये आर ई मिल गई ना, तो हमने क्या किया एक टीजी से एक आर ई बना ली, हैज द रिक्वायर्ड आर ई इज दिस वन। टीजी हमें दी, उस टीजी को हमने क्या किया उससे उसकी आर ई गेट कर ली। तो यानी अगर किसी लैंग्वेज की टीजी बन सकती है तो उसकी आर ई भी बन सकती है, और वो आर ई कौन सी है, वो ये वाली है। उसके लिए हमने क्या काम किया कि उस टीजी को कन्वर्ट किया जी टी जी के अंदर, और जी टी जी कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास वो फोर स्टेप्स थे जो हमने को फॉलो किया, हमारे पास ये। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले जी। अब आपने एक प्रैक्टिस के लिए एक काम करना है कि आपके प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर जितनी आपके पास टीजीज हैं उनकी आर ही आपने बनानी है इन्हीं फोर स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो जो करेगा वही एग्जाम में कुछ कर सकेगा, वरना फिर उसका वही हाल होगा जो उसका मिड में हुआ था। उसके दरमियान में जो आपको क्वेश्चंस आए, जो आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम्स आए, वो मैं आप मेरे साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्यों भाई, क्यों भाई सोई हुई क्लास? इधर सारे माइक ऑन तो करें, मैं देखता हूँ कौन कौन सो रहा है। नहीं तो सारे जाग रहे हैं। अब चले आप सारे लोग जाग ही गए हैं, तो मुझे बताएं समझ किस किस को आई है बगैर किसी उसके। समझ किसी को भी नहीं आई। आप इस स्लाइड को देखें, इसके अंदर जो स्टेप्स दिए हुए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करें, और जो जिस चीज़ के अंदर जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आए ना, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर पूछिएगा। आप यहाँ से भी अगर किसी ने फ़र्ज़ किया पहले नहीं भी पढ़ा तो उसको यहाँ से भी समझ आ सकती है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, वो तभी आएगी। जो जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो आप पूछ लें। पहले मैं इसको, क्योंकि अभी आप लोग वो पुरानी नहज पे थे इसलिए आपके घर में क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं क्लोजअप करता हूँ। तो अब आप इन स्लाइड्स को पढ़िएगा, इन स्टेप्स को फॉलो करके प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस से ही होगी, बगैर प्रैक्टिस के नहीं इसकी आपने को ये ऑटोमेटा आनी, ऑटोमेटा करने से आएगी। ठीक है, जब आप करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चन भी आएंगे, फिर आप पूछेंगे। ठीक है जी, यहीं पर मैं क्लास को एंड करता हूँ।